हे गाइस, तो ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है बिकॉज़ हमारे साथ में काफ़ी बुरा हो रहा है, हमारी फैमिली के साथ में, हम भाइयों के साथ में। बिकॉज जैसे आपको पता होगा, मेरा आर्ट वाला अकाउंट इंस्टाग्राम से उड़ चुका है, मतलब किसी ने उड़वा दिया वो, और उस पर 4 लाख फॉलोअर्स थे मेरे। 5 साल की मेहनत थी वो, मतलब एक एक आर्ट वर्क को बनाने में मुझे ना 24 24 घंटे लगते। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों जो आज की वीडियो है ना, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपना कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सोशल मीडिया में अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचते हैं। वो लोग इस वीडियो को एंटर जरूर देखें, बहुत काम की वीडियो होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल वाली वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली है। मैं पक्का बता दूं, अगर वीडियो आप एंटर देखो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया का असली रूप क्या है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सोशल मीडिया किस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है। यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ से आप पैसा अर्न करना है, वो अगर सोशल मीडिया है, तो आज ही आप अलर्ट हो जाओ। कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन जरूर होना चाहिए, नहीं तो किस टाइम पे किस मोड पे आपको अकेला खड़ा होना पड़े और आपका ये जो अर्निंग का पॉइंट था या जो आपका आमदनी का पॉइंट था, जो सोशल मीडिया जहाँ आप अर्न कर रहे थे, वो आपका कब किस मौके पे आपसे छिन जाए आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ऐसे ही किसी एक यूट्यूबर के साथ हुआ जिसमें आज वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उस यूट्यूबर को बहुत ही किसी को आइडेंटिफिकेशन जब होती, बहुत ही फेमस यूट्यूबर, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, जिन लोगों ने उनके बारे में शायद अभी तक वीडियो देख ली होगी, वो अच्छी बात। अगर नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ उन यूट्यूबर का नाम, वो सौरभ जोशी ब्लॉग के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सौरभ जोशी ब्लॉग के बारे में। सौरभ जोशी ब्लॉग को हर कोई जानता है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अभी उनको उनके फैमिली के साथ ऐसा कुछ हुआ जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था, जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। आई होप ऐसा किसी के साथ ना हो। सौरभ जोशी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो उनको इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, उनकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो गई है। और ये अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ होता तो शायद वो इस चीज़ से उबर भी नहीं पाता और इन चीज़ों से निकल भी नहीं पाता। लेकिन सौरभ जोशी ने अभी अपना वीडियो डाला, अभी रिसेंट सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ उन्होंने बताया कि उनका एक इंस्टाग्राम का अकाउंट हटा दिया गया, मतलब उसको डिलीट कर दिया गया है, उसको अपने सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम से उनको अकाउंट को डिलीट कर दिया गया, अब वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। उस पर लगभग उनके 7 से 8 लाख फॉलोअर्स थे और वो उनका जो आर्ट वाला इंस्टाग्राम चैनल है, यूट्यूब है, उस वही सेम उनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट था जो आर्ट गैलरी का था, जहाँ वो अपनी आर्ट बनाते हैं। क्योंकि बेसिकली सौरभ जोशी ब्लॉग ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था वो आर्ट के थ्रू था, वो स्केच बनाते, सब अच्छे अच्छे हस्तियों में उन्होंने स्केच बनाए, वहीं से उनका फेम मिला था। तो वो उनका एक पहला जो कह सकते हैं इंस्टाग्राम का चैनल था जिस पर लगभग 6 7 लाख फॉलोअर्स थे, वो उनको डिलीट कर दिया। पहले भी एक दो बार डिलीट किया लेकिन वो रिट्रीव हो गया, लेकिन इस बार जो डिलीट हुआ है बिल्कुल इंस्टाग्राम से हटा दिया गया, अब वो उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। सेम उनकी फैमिली में उनके पापा का इंस्टाग्राम चैनल डिलीट कर दिया गया, जो उनका छोटा भाई है पीयूष, जिसको अक्सर उनकी हम वीडियो में देखते हैं, उसका चैनल डिलीट कर दिया गया है। और उनके जो छोटा भाई है साहिल जोशी, उसके भी जो अभी रिसेंटली 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हुए थे इंस्टाग्राम पर, उनका भी चैनल को धमकी मिली हुई है डिलीट करने के लिए। हालांकि सौरभ जोशी ने अपने एक वीडियो के थ्रू सब कुछ बताया है कि क्या हुआ, कैसे उन लोग सौरभ जोशी ने बात की है जिन लोगों ने उनका चैनल डिलीट किया है, बनवाई है, और खुद ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि सौरभ जोशी जैसा यूट्यूबर का अकाउंट डिलीट हो सकता है तो और लोगों के साथ क्या हो सकता है। सौरभ जोशी का बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो अपनी बात को मीडिया के सामने रख सकते हैं, वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हाई अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हैं, इंस्टाग्राम के हाई अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा पर्सन इसकी अर्निंग का मेन पॉइंट केवल इंस्टाग्राम या कोई दूसरी जगह से, जहाँ वहीं से केवल वो अर्न करते हैं, तो उसका क्या होगा? वो अपनी बात रख भी नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा अगर नाम नहीं हो। सौरभ जोशी बहुत बड़ा नाम है, उनका दूसरा भी इंस्टाग्राम का चैनल है जहाँ पर लगभग अभी 6 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उनका वो चैनल चल रहा है। लेकिन वो चैनल भी डिलीट हो सकता अगर ऐसे ही हुआ जैसे उनका आर्ट वाला चैनल जहाँ 7 8 लाख फॉलोअर्स थे वो चैनल डिलीट हो गया, तो दूसरा चैनल भी हो सकता है। हालांकि साहिल जोशी जो छोटे भाई हैं उनके चैनल को भी ये धमकी मिली हुई है कि उनका चैनल भी डिलीट कर दिया जाएगा। क्यों डिलीट हो रहा है, किस लिए कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, ये किसी को पता नहीं है। पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले जो सौरभ जोशी की जो उन्होंने अभी इंस्टाग्राम पे जो उनका खुद का सौरभ जोशी ब्लॉग के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, वो उन वहाँ पे भी अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो के थ्रू उन्होंने बताया किस तरीके से उनका इंस्टाग्राम चैनल डिलीट कर दिया गया, किस तरीके से उनके पापा का, उनके छोटे भाई पीयूष का इंस्टाग्राम चैनल डिलीट कर दिया। पहले वो मैं उस वीडियो को देख लेते हैं, हम लोग भी समझ लेते हैं किस तरह, आप लोग भी आइडेंटिफाई, मुझे तो आइडिया लग गया क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्योंकि मैंने वीडियो कई बार देख लिया। आप लोग भी उस वीडियो को पहले देख लो और फिर उसके बाद हम इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, सेम इसी तरीके से जो जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, स्मार्ट की सम्राट की पाठशाला, जिनके मैं अक्सर मैं वीडियो को रिएक्शन बनाता हूँ, रिव्यू बनाता हूँ, उनका भी इंस्टाग्राम चैनल लगभग 1 लाख के करीब उनके भी
फॉलोअर्स होने वाले थे, लगभग 98-99 हो चुके थे, और वो अक्सर कहते थे 1 मिलियन मुझे करने, 1 मिलियन करने, और उनका भी इंस्टाग्राम चैनल डिलीट कर दिया गया था, इंस्टाग्राम अकाउंट उनका भी डिलीट कर दिया गया था। आप जाके उनको देख सकते हैं, अभी जो उनका रिसेंटली इंस्टाग्राम अकाउंट है वो पुराना नहीं, नया इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पे अभी लगभग 15,000 से 20,000 उनके फॉलोअर्स हैं। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। पहले हम उनका सौरभ भाई का वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो के बारे में, इस जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। हे गाइस, तो ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है बिकॉज हमारे साथ में काफ़ी बुरा हो रहा है, हमारी फैमिली के साथ में, हम भाइयों के साथ में। बिकॉज जैसे आपको पता होगा मेरा आर्ट वाला अकाउंट इंस्टाग्राम से उड़ चुका है, मतलब किसी ने उड़वा दिया वो, और उस पर 4 लाख फॉलोअर्स थे मेरे। 5 साल की मेहनत थी वो, मतलब एक एक आर्ट वर्क को बनाने में मुझे ना 24 घंटे लगते थे। 5 साल तक मैंने उस पर इतनी मेहनत की थी, और एक ही बार में मेरा अकाउंट उड़वा दिया। और अब चलो मेरे तक तो बात थी, उसके बाद मैंने आज चेक किया सुबह सुबह पीयूष का अकाउंट भी उड़ा दिया, इस पर भी अराउंड 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। फिर उसका अकाउंट भी उड़ा दिया, और फिर चेक किया हमने, फिर पापा जी का भी उड़ा दिया, और अब साहिल के पास धमकी आ रही है, इसको मेंशन कर रहे हैं कि साहिल के, अब नेक्स्ट बारी साहिल के, साहिल का अकाउंट, इस पर भी 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो अब धमकी आ रही है कि साहिल का उड़ाएंगे। तो एक्चुअली गाइस सीन ये है, ये ना कोई टीम है, कोई ग्रुप है जो कि मिलकर काम कर रहे हैं और मास रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। इनके पास बहुत सारे अकाउंट्स, अराउंड 10-20-30 हज़ार जितने भी अकाउंट्स हैं, तो वो सारे मास रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उनको ना कोई लूप होल चल गया पता, इंस्टाग्राम का कोई लूप होल, उसको फॉलो कर रहे हैं और सारे एक साथ रिपोर्ट मार रहे हैं, और एकदम से मेरा अकाउंट चला गया, पीयूष का चला गया, अब साहिल को धमकी मिल रही है। मतलब मैं चुप था 10 दिनों से, ये चीज़ें हो रही है, 10-15 दिन हो गए, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैं सोचा था कि आ जाएगा कोई बात नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, 2 बार आ गया, मैं इंस्टाग्राम से बात कर रहा था, बट अब काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बिकॉज पीयूष का भी जा चुका है, पापा जी का भी जा चुका है, और अब साहिल की बारी, साहिल को धमकी मिल रही है। तो हाँ, अपने तक होता है ना तब बंदा सहन भी करता, लेकिन जब भाइयों तक हो, फैमिली तक हो, तो हाँ तो सहन नहीं होता। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो पहली बार मैंने ऐसे देखा, और ये ओनली हमारे साथ में नहीं हो रहा, और भी ऐसे इनोसेंट पीपल हैं, अकाउंट्स हैं, सबके उड़ा रहे हैं। मैंने मतलब उनसे बात भी की, जिन्होंने उड़ाए हैं ना वो मुझे मेंशन कर रहे हैं, और एक बंदा नहीं है, मतलब मेंशन में 10-20-30-40 लोग। मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट भी, सब कुछ दिखाऊंगा, मेरे पास सब सारे प्रूफ हैं, मैंने उनसे बात की जो कर रहे हैं, और पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हम ऐसे ही उड़ा रहे हैं ऐसे ही, और कोई कह रहे हैं पैसे के लिए उड़ा रहे हैं, कोई कह रहे हैं, और बात कर रहे हैं सर करके, बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, सर ऐसा है सर, हम वापस ला देंगे सर, हमको लीडर, कोई लीडर का हमने कोई लीडर है हमारा, हम बता नहीं सकते कौन है लीडर, वो बोल रहे उड़ाने के लिए, हमको करना पड़ रहा है, उनके पास हमारी आइडेंटिटी है। तो ये सब स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो हाँ, एक बंदे से मैंने बात की जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैंने पर्सनली खुद मैसेज किया, भाई भाई क्या चाहते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, मैंने अच्छे से पूछा भाई क्या बिगाड़ा है मैंने जो तुम ऐसा कर रहे हो, ठीक है। फिर कह रहे कुछ नहीं सर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, टीम लीडर का ऑर्डर है रिपोर्ट करने का, टीम लीडर का। मैंने कौन है टीम लीडर, मैंने उसको शो के लिए एक रिपोर्ट की, आपका अकाउंट बैन हो गया, सोलो वर्क नहीं है, 3-4 टीम। तो फिर मैंने पूछा भाई कौन है तुम्हारा टीम लीडर, बताओ मैं उनसे बात करूंगा, भाई मेरी क्या गलती है जो तुम मेरा उड़ा रहे हो, मैंने क्या किया तुम्हारा, क्या बिगाड़ा मैंने। तो फिर कह रहा सॉरी सर, वो हम नहीं बता सकते, लीडर्स के पास हमारी आइडेंटिटी है, उनको पता चला कि हमने बताया है तो लीक कर देंगे हमारी आइडेंटिटी, और ये सारे अकाउंट्स ना सारे फेक अकाउंट्स हैं, किसी का रियल नेम नहीं है। फिर मैंने बोला कि मुझे जानना है भाई तुम कर क्यों रहे हो ऐसा, कर क्यों रहे हो, मुझे पता भी तो चले तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है क्या कि तुम किसी के साथ में ऐसा कर रहे हो। फिर कह रहे लीडर फेक आईडी से आपको मैसेज करेगा, अनबैन के पैसे मांगेगा। और ऐसे ही मैंने 6-7 लोगों से बात की, इनके टीम वालों से, सब यही बोल रहे हैं कि सर, मतलब बात ऐसे कर रहे हैं सर ये वो, सर मुझे फॉलो कर दो सर मुझे, मतलब ऐसा लग रहा है कि अक्कल नहीं है उसके अंदर। मतलब स्टोरी में तो मेंशन करें हंसने वाली इमोजी डाल के कि हमने तुम्हारा बैन कर दिया, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो सर सर करके अच्छे से बात कर रहे हैं कि सर ये सर वो सर सॉरी सॉरी, ये सॉरी की क्या बात होती है भाई, मैंने तो 2 बार अकाउंट वापस भी ला दिया फिर दोबारा उड़ा देते हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मेरे को पहली बार चला पता कि ऐसा भी हो सकता है, मेरे साथ हुआ है तो कल को आपके साथ भी हो सकता है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबके साथ में हो सकता है, और बहुत लोगों के साथ में कर रहे हैं इस तरह से अकाउंट बैन कर रहे हैं। हम तो बोल सकते हैं चलो हमारे पास तो ऑडियंस है, लेकिन जिनके कम फॉलोअर्स है वो तो बोल भी नहीं सकते। तो अब समझ में आया कि हम करें क्या। तो अगर कोई भी इंस्टाग्राम से देख रहा है कहीं से भी, इस वीडियो को शेयर करो ताकि इंस्टाग्राम को ये प्रॉब्लम चले पता कि ऐसा भी हो रहा है इंस्टाग्राम पे, भाई कोई लूप होल चल गया पता लोगों को पता, और लोग अकाउंट उड़ा रहे हैं सीधा अकाउंट, मास रिपोर्टिंग करवा, कोई टीम बना रखी भाई लोगों ने। मतलब मेरे 5 साल की मेहनत है गाइस, आप सोच सकते हो मेरे आर्ट वाले चैनल पे 5 साल तक मैंने उस पर इतनी मुश्किल से बना के आर्ट वर्क डाले हैं, और एक सेकंड में तुम अकाउंट उड़वा दे रहे हो। मतलब मेरी कोई गलती हो तो मैं मानूं भाई मेरी कोई गलती है, मैंने ये गलत कुछ गलत पोस्ट किया, मैंने कुछ गलत किया, मैंने उसमें मैंने अपनी मेहनत के आर्ट वर्क डाल रखे हैं। जैसे पीयूष है इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका अकाउंट तो मैं ही चला रहा था, इसको पता भी नहीं था कि मेरा अकाउंट चला गया, तो अपना स्कूल से आ रहा है मस्त, इसको फर्क भी नहीं पड़ रहा इतना, लेकिन हमको तो पड़ता है बिकॉज हम उसी से ही अर्न कर रहे हैं, हम उसी से अपना सोशल मीडिया सब कुछ चला रहे हैं। अगर हमारे साथ में ऐसा होगा तो हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि इंस्टाग्राम तक पहुँचे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको मिले। गाइस सुबह से मेरा तो दिमाग खराब हो गया जब से मैंने देखा ना, मतलब मेरा तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा, मैंने सुबह से व्लॉग भी नहीं करा, टाइम देखो भाई 2:30 बज चुके हैं, मतलब
ढाई बज चुके हैं, अभी तक मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं करा। मेरा दिमाग घूमा, मैं कहा कि ये हो क्या रहा है भाई, हमारे साथ में क्यों हो रहा है। आई नो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ये आती रहती है लाइफ में। जब हम आगे बढ़ते हैं तो लोग पीछे खींचने के लिए बैठे रहते हैं, और वो मैं मानता हूँ, लेकिन स्टिल अब इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना हमको, इसलिए मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है। इसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो हम निकाल ही लेंगे। बाकी मैं आपको भी अवेयर कर रहा हूँ इस तरह से हो रहा है, देख लो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, तो हाँ हमारे साथ में हो सकता है तो किसी के साथ में भी हो सकता है भाई। पता नहीं क्या ही बिगाड़ा यार हमने किसी का, क्या ही करा हमने। हम तो नॉर्मली वीडियो, हम तो किसी के बारे में बोलते भी नहीं वीडियो में, किसी को पोक भी नहीं करते, नॉर्मली वीडियो बनाते हैं अपनी, नॉर्मली इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हैं, और कुछ किसी के बारे में कुछ करते भी नहीं यार। फिर भी हाँ मुझे तो लग रहा है बस मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, इनको मजे आ रहे हैं। मतलब किसी को दुखी देख के, किसी का बुरा करके इनको मजे आ रहे हैं बेसिकली। हाँ इनको मतलब अच्छा लग रहा है, इनको अच्छा फील हो रहा है, हमको गंदा फील करा के इनको अच्छा फील हो रहा है। इनको लग रहा है बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने। हाँ इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया इनको लग रहा है। तो गाइस बस इतना ही कुछ बोलना था मुझे, मेरा तो पूरा मूड खराब हो गया जब से मैंने देखा है ना ये, जब से हो रहा है, जब से साहिल के देखा है, साहिल को धमकी आ रही है और पीयूष का उड़ गया, तो हाँ अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चलो फिलहाल आप भी सपोर्ट करना, इंस्टाग्राम को टैग कर देना। अब बस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई आप लोग खुद ही देख लो, अगर सौरभ भाई के साथ ये कुछ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। सौरभ भाई कोई छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं है, कोई छोटे मोटे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है। तो सौरभ भाई आपने खुद, उन्होंने अपना बताया कि किस तरीके से उनका अकाउंट उड़ा दिया गया। दो तीन बार उन्होंने रिट्रीव भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उनका अकाउंट उड़ा दिया गया। वो लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं, बैन कर देते हैं, और ये कोई एक दो नहीं, 10-20-30-40 हज़ार लोग हैं, कई टीम्स काम कर रहे हैं। इवन उन्होंने बात भी की, लेकिन फिर भी उसके बाद भी सौरभ भाई का इंस्टाग्राम चैनल और उनके पीयूष का और उनके पापा जी का चैनल उड़ा दिया गया। साहिल भाई को धमकी मिली हुई है, तो जो भी लोग हैं उनका इंटेंशन ठीक नहीं है। इंस्टाग्राम पर इसको ध्यान देना चाहिए, इंस्टाग्राम को उसको इस पर वर्क करना। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर ये सौरभ भाई के साथ हो सकता है ना तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ, जितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ कोई छोटा मोटा इस पर कोई सपोर्ट करेगा ठीक है, हम बोल सकते हैं सौरभ भाई आपके साथ है कोई दिक्कत, लेकिन इसमें ना बड़े लोगों को, जो बड़े लोग यूट्यूबर हैं या बड़े लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी अर्निंग वहीं से होती है, उन लोगों को सौरभ भाई के साथ खड़ा होना चाहिए, तभी जाके कोई बात बनेगी। अदरवाइज एक दिन ऐसा, आज सौरभ भाई का चैनल अकाउंट गया है, कल आपका भी चला जाएगा, कल किसी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जाकर धीमे धीमे वो अपनी वीडियो बनाएंगे सोशल मीडिया पर डालेंगे, लेकिन फिर उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज यही टाइम एक साथ खड़े हो जाते हैं और इसके चीज़ लगते हैं, कोई इतना कोई लूप होल है यहाँ पे ना। पे कुछ लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम चैनल के जाकर इंस्टाग्राम को कंप्लेन करते हैं, कुछ ऐसा इनका आपस में सिस्टम है, अगर कुछ लोग कंप्लेन करेंगे तो ऑटोमेटिक कोई अकाउंट डिलीट हो जाता है। अभी पीछे बैक में समाज की वार्ताला भाई सम्राट शुक्ला जी हैं, उनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया, तो उनका तो रिट्रीव भी नहीं हुआ। तो ये कोई छोटा मोटा नहीं है। तो जो लोग भी अपन सोशल मीडिया को अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं, या जो लोग भी सोशल मीडिया पे अपना कैरियर बना या मनी अर्निंग करने की सोच रहे हैं, उस कोई भी अपना कैरियर स्टार्ट करने से पहले एक बार इस चीज़ को जरूर देख ले, सोच ले कि अगर कहीं आपका अगर एक चैनल आपका चैनल ग्रोथ कर गया लेकिन एक लेवल पर आके वो डिलीट हो गया या हैक हो गया, तो आप फिर कहाँ खड़े रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके सोशल मीडिया रोल प्ले करता है। जो मुझे मैंने बताना था और जो मुझे अपनी सिंपैथी सौरभ भाई के लिए रखनी थी, वो मैंने इस वीडियो में रख दी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी अगर कमेंट सेक्शन में बताना है सौरभ भाई को सपोर्ट करना, तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।